Zombie apocalypse. असल गाइस, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हो उसामा राजपूत यूट्यूब चैनल। तो किस आज की स्टूडियो के अंदर मैं आपके लिए ले आया हूँ एक फोटो ट्रांजैक्शन वीडियो स्टेटस रेटिंग। तो यहाँ पे मैं आपको एक डेमो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो कि जैसे कि आपने डेमो में देखा यहाँ पे कि आप देख सकते हैं, आप किसी अपना नेम भी यहाँ पे लिख सकते हैं और आगे जाके कि जहाँ से गई जो सा रियल सॉन्ग स्टार्ट होता है वहाँ पे कि आप जो सा अपना फोटो ट्रांजैक्शन है वो किस आप ऐड कर सकते हैं। ये किस जो सी वीडियो है वो किस आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो किस मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। सो वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देख लेना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी डेली वीडियो मिलती रहे। तो चलिए इस मिनट में वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कि सबसे पहले आपने जो यहाँ पे कैप कैट ऐप है वो किसी आपको ओपन कर लेनी, क्योंकि किसी यहाँ पे जो हम स्टेटस को क्रिएट करेंगे देन किसी आपको यहाँ पे करना क्या न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर किसी आपको क्लिक करना है। यहाँ पे किसी आपको फोटो वाले या स्टॉक वीडियो वाले ऑप्शन के ऊपर जाके यहाँ पे किसी आपने जो एक वाइट कलर की इमेज है वो किसी आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद यहाँ पे किसी आपने आगे की तरफ मूव करना है। यहाँ पे किसी आपके ऑप्शन आएगा फॉर्मेट का, तो किसी आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे किसी आपने जो है 9.16 के जो साइज़ है वो किसी आपको चूज़ कर लेना है। देन किसी आपने अपने फिंगर से गई जो इसको जूम करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐड कर लेना है। तो किसी आपको बैक के ऊपर क्लिक करना है। बैक के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे किसी आपको एक ऑप्शन आएगा ऐड ऑडियो का, तो किसी आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से किसी आपने जो ऑडियो है वो किसी आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी है। तो ऑडियो जो से किस मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, किसी आपको सिंपली यहाँ पे करना है कि यहाँ पे किसी आपने जो इसकी ड्यूरेशन उतनी बढ़ा लेनी जितनी भी किसी आपकी ऑडियो होगी। तो यहाँ तक करें तो इसको भी जो से मैं खींच के यहाँ तक करके इसमें ले जाता हूँ। तो यहाँ पे तक करके जो से ऑडियो यहाँ पे हमारी आ चुकी है। अगर आपको सिंपली यहाँ पे करना है बैक के ऊपर क्लिक करना है दोबारा, फिर किसी आपको बैक के ऊपर जाना है। यहाँ पे किसी आपको एक ऑप्शन आएगा ओवरले का, तो किसी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे किसी आपको ऐड ओवरले के ऊपर जाके यहाँ पे किसी आपने जो से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो किसी आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी है। तो किसी ये बेसिकली है तो वाइट लिखने के आपको नीचे जो सा ये इस टाइम ग्रीन शो करा रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आपको इस वाइट ही मिलेगी। अगर आपको यहाँ पे इसको जो सा थोड़ा सा जूम कर लेना कुछ इस तरीके से लेकिन मिड में ला के, अगर आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है यहाँ पे कि आपने जो सी इसकी जो सी किस ड्यूरेशन है वो किस मैंने बिल्कुल एडजस्ट की हुई है जहाँ से कि जो सा हमारे जो सा रियल सॉन्ग है वो किस स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का जो सा इंटरफेस होगा वो किस हमारे सामने आ जाएगा। अगर आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है यहाँ पे किस आपको एनिमेशन वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पे किस आपको कम्बो वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पे किस आपको स्लाइड करना है। तो यहाँ पे किस आपको मैं दिखा देता हूँ जो किस आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे किस आएगा सवे आउट और सवे इन, इन दोनों में से किस आप जो सा चाहे मर्जी यूज़ कर सकते हैं, जो सा भी किस आपका दिल चाहे अपने दोनों में से अपनी पसंद से जो सा चाहे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से किस आपने ड्यूरेशन जो इसकी फुल कर लेनी, ये वाला जो सा पैनल है इसको किस आपने फुल रख लेना है। देन किस आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब किस आपको सिंपली यहाँ पे करना है क्या बैक ऊपर दोबारा फिर किस आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ पे किस आपने जो सा अपना नेम है वो किस आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे किस जो सा मैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे जो सा मैं उसामा अपना नेम का जो सा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देन मैं किसी यहाँ पे जाऊँगा स्टाइल वाले ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पे किसी आपने जो सा फाउंड है वो किसी आपने अपनी पसंद का यहाँ पे यूज़ कर लेना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कोई एक फाउंड इधर कर लेता हूँ, थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा लेता हूँ। तो ये फाउंड का इस टाइम बेस्ट है। देन मैं किसी यहाँ पे जाऊँगा एनिमेशन वाले ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पे इसमें क्लिक करूँगा और लोप वाले ऑप्शन के ऊपर, यहाँ से किसमें एंड के ऊपर जाऊँगा। यहाँ पे किसी आपको एक लास्ट के ऊपर एक इफेक्ट मिल रहा है वेव का, तो किसी आपने इसके ऊपर क्लिक करके स्लो इसको किसी आपको फुल कर लेना जो कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस देगा। देन किसी आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। किसी आपने जो इसकी ड्यूरेशन वहाँ तक ले जानी जितना किसी आपका ऑडियो होगी। तो यहाँ तक करके हमारी ऑडियो थी, यहाँ पर किसी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो सा इंटरफेस होगा वो किस हमारे सामने आ जाएगा। अब किसी आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है बैक के ऊपर भी दोबारा फिर क्लिक करना है। ऐड टेक्स्ट के ऊपर किसी आपको दोबारा फिर क्लिक करके यहाँ पे किसी आपको 2 से 3 इमोजी है वो किसी आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेने हैं। तो ये रैंडमली गई जो से मैंने यहाँ पे 3 इमोजी है वो किस मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली है। देन मैं किसी यहाँ पे जाऊँगा दोबारा फिर एनिमेशन वाले ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पे लो वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे किसी आपने कोई और जो सा एनिमेशन है वो किसी आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे एक डांस नामी किसी आपको इफेक्ट मिलेगा वो किसी आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना है। तो ये रहा, और इसको भी किसी आपने जो सा फुल एंड तक ले जाना है कुछ इस तरीके से। देन किसी आपने ओके के ऊपर क्लिक कर और इसको भी किसी आपने एंड तक ले जाना कुछ इस तरीके से, और इसके जो ड्यूरेशन है वो किसी आपने उतनी भरा लेनी है। और यहाँ से किसी आपने जो इसको नीचे की तरफ मूव करा लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटस है वो किसी इस टाइम हाफ के करीब क्रिएट हो चुका है। प्ले करके अगर आपको मैं अब नहीं दिखा सकता क्योंकि ऑडियो यहाँ पे ऐड है। अगर आपको सिंपली यहाँ पे करना है कि यहाँ पे किसी आपने अब जो से अपनी फोटो से वो किसी आपको यहाँ पे यूज़ कर लेनी है। तो फोटो यूज़ करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ से किसी आपने इसको जो सर स्प्लिट कर लेना है कुछ इस तरीके से, जैसे कि इसमें यहाँ पे कर रहा हूँ। अब किसी आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन के ऊपर जाके कोई एक फोटो या 2-3 जितनी भी किसी आप ऐड करना चाहे वो किसी आपको यहाँ पे कर लेनी है।
तो फोटो जो है मैंने यहाँ पे अपनी ऐड कर ली है, यहाँ पे जो मैं इसको जूम कर लूँगा कुछ इस तरीके से, देन मैं इसकी ड्यूरेशन जो है उतनी बढ़ा लूँगा जितना भी किसी हमारा ऑडियो होगी, तो कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ। और इसको गई जो मैं दो से तीन हिस्सों में गई जो स्प्लिट कर लूँगा, एक और ये दो, तो ये स्प्लिट हो चुका है। स्प्लिट करने के बाद कि आपको जो सा यहाँ पे एनिमेशन यूज़ करना है, तो इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे कि आपने जो से अपने हिसाब से जो सा चाहे मर्जी के आपने जो से एनिमेशन है वो कि आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना है। तो ये पेंडुलम वाला देख लेते या फिर इसको ओके के ऊपर जाके इन एनिमेशन के ऊपर जाके यहाँ पे ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, या ये वाला बेस्ट है, तो ये इसमें यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। देन मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे अगले वाले के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे भी जो सा मैं सेम गई जो सा कोई और एनिमेशन है वो इसमें यूज़ कर लूँगा सेम इसी तरीके से ही, तो ये यूज़ करूँगा, ड्यूरेशन फुल बढ़ा लूँगा, ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, लास्ट वाले के ऊपर जाऊँगा, एनिमेशन वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे जो सा कोई और जो सा इसके साथ का इफेक्ट है वो इसमें यूज़ कर लूँगा, तो ये जूम ये वाला गई जो सा मैं यूज़ कर लूँगा जो कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस देगा। तो यहाँ पे इसमें आपको विदाउट ऑडियो जो कि आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, जो कि हमारे सामने कुछ इस तरीके का जो सा इंटरफेस होगा वो किस हमारे सामने आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब इस लास्ट के ऊपर यहाँ पे बड़ी आ जाती है कि यहाँ पे किस अगर आपको इसके ऊपर एनिमेशन वगैरह यूज़ करना चाहिए, यानी कि ओवरले स्टिकर टाइप इफेक्ट वगैरह, तो उसके ऊपर किस करना क्या होगा, यहाँ से किस आपको इफेक्ट जो अपनी पसंद का जो चाहे मर्जी आपने किस यूज़ कर लेना है, यहाँ पे किस आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, तो आपने किस अपने हिसाब से जो चाहे मर्जी आप किस जो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी मैंने मटेरियल यूज़ किया है यानी कि ऑडियो का वो इसमें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, तो इजीली जाके आप जो सा डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब तक करें इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।